जो विषय हम लोग सुन रहे हैं, पिछले सप्ताह हमने इसका भली भांति श्रवण किया। उपदेशामृत, इसे भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, ये प्रवेश द्वार है भक्ति का। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कंठहार है, गौड़िया कंठहार है। गौड़िया भक्त हैं, जो गौड़िया वैष्णव भक्त वृंद है उनके कंठ का हार है। ठीक है, ये इट इज दैट इंपॉर्टेंट। तो जो बिल्कुल मूल में बिल्कुल बेसिक है, जो बिल्कुल प्रवेश द्वार है जहां से भक्ति आरंभ होती है, भक्ति भी आरंभ नहीं हुई है, वो प्रवेश द्वार माना गया। वो हमारी सीमित बुद्धि के कारण हमें थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। खैर, वैष्णवों का धन है, वैष्णवों की वस्तु है, वैष्णवों के रस आस्वादन की वस्तु है। उनका जो कुछ उच्चिष्ट होगा, अगर उसका लेश मात्र बिंदु हमें मिल जाता है, यहां से कुछ एक बिंदु लेके हम अपने हृदय में धारण कर कर उसके अनुसार अनुकूल अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये प्रयास सफल है। नहीं तो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे उपदेशामृत एक साथ इकट्ठा आपको सुनने को, श्रवण करने को मिलेगा, मुझे बड़ा मुश्किल फील होता है या बड़ा कठिन है। ऐसा नहीं, असंभव भी संभव है और इतना कोई वो बात भी नहीं है, परंतु अभी की परिस्थिति के हिसाब से देखते हुए ऐसे ही लग रहा है। तो मैं आप सबके चरणों में निवेदन करता हूं कि ध्यान से इसको श्रवण करने की कोशिश कीजिएगा। वैष्णवों की आज्ञा से हमने इसको कोशिश किया है टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। बहुत सरल करके कोशिश करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा प्रवेश मात्र पाने की चेष्टा करें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं श्री उपदेश अमृत ग्रंथ। हमने भूमिका पिछली बार बहुत अच्छे से इसमें श्रवण की थी, दोबारा शायद मेरा ख्याल है बोलने की जरूरत नहीं है। अब उपदेश अमृत ग्रंथ के पहले दो श्लोक हमने पिछले सप्ताह श्रवण किए थे। पहले श्लोक वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। जो व्यक्ति वाणी के वेग को, मन के क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को यानी पेट के वेग को और उपस्थ इंद्रियों के वेग को सहन कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है और उन पे विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यक्ति पूरे संसार को शिष्य कर सकता है, पूरे संसार पे विजय प्राप्त कर सकता है। प्रहलाद महाराज जी ने जब हिरण्यकशिपु को ऐसा संबोधित किया कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जय नहीं कर सकता, वो पूरे संसार को जय करने की सोच रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ ये सुनना। हिरण्यकशिपु वॉज कंप्लीटली इन्फ्यूरिएटेड, वो गुस्से में आ गया, एकदम आग बबूला हो गया ये सुन के कि तुम संसार को जय करने की बात करते हो, तुम अपनी इंद्रियों को तो जय कर नहीं पाए है। तो ये हमने श्लोक, और इसके पश्चात दूसरा श्लोक अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यश्च षड्भिर् भक्ति विनश्यति। दोबारा बोलने की जरूरत है नहीं है, ठीक है, पिछले सप्ताह हमने किया था। जो नहीं आए थे वो दोबारा पिछले सप्ताह का ये इसमें से वीडियो देख सकते हैं, इसको दोबारा करते हैं। आज हम लोग फिर से वापस उपदेश अमृत ग्रंथ शुरू करते हैं। मूल रूप में इसकी थोड़ी रूपरेखा समझने की कोशिश करते हैं। भक्ति की कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ सोपान, कुछ सीढ़ियां होती हैं। ऐसे नहीं कि पहले ही दिन बांके बिहारी की लटा पटा में उलझ जाओगे, ये होने वाला नहीं है। ऐसा क्रम कभी भी अतिक्रमण होता नहीं है,
ऐसा कभी ना पहले इतिहास में हुआ ना होने वाला है। तो सीधा राधा राधिका का जो प्रेम भक्ति श्री कृष्ण के लिए है, हम उसको प्राप्त हो गया, उसका कीर्तन करके अपना अभिनय करके इस तरह से दिखाएंगे, वो ठीक नहीं है। सही स्टेजेस ऑफ भक्ति, भक्ति का क्रम क्या है? सबसे पहले आदो श्रद्धा, फर्स्ट ऑफ ऑल श्रद्धा, फिर उसके बाद साधु संघ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, फिर भजन क्रिया। साधु का संघ मिलेगा तो क्या होगा? भजन क्रिया शुरू होगी। भजन होने से क्या होगा? जितने अनर्थ हैं वो निवृत्ति हो जाएगी। अनर्थ क्या है बोलेगा कोई? अनर्थ बोलेगा कोई? पहले की है, पुराना। हम एक साल से इस क्लास में आते हैं, एक साल से हमने क्या उपलब्धि करी? थोड़ा जोर लगाइए दिमाग पे। अनर्थ किसे बोला गया बोलो? माइक लेके बोलो। बोलेगा कौन? बोलेगा आप बोलो निपुण। स्वरूप ब्रह्म, ये मान लेना कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं। क्या हुआ? माउस हिलाने से हो नहीं रहा। ये रखो बेटा, इसके अंदर रखो, बस यहीं पीछे ले, इस पीछे से ले, बस यहां। तो फिर अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद भजन का अगला क्रम, स्टेजेस ऑफ भक्ति में निष्ठा, निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, एकदम दृढ़ निष्ठा। फिर रुचि, फिर बंद हो गया क्यों रे बार बार? नेट का तो इशू नहीं, फोन का है। ये पास में रख लेता है। अभी बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसको दर्द होती है, थोड़ी घबराहट होती है, सबको थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी आज ये नया नया आया, पंजाबी में कहावत है, नवा मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। जो नया मुल्ला होता है वो ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। तो अभी हम नया नया सीखे ना, अभी ठीक से आए नहीं। पहले तो आ गया था। वो कास्ट भी किया था आपने, वहां से तो हो गया था।
ठीक है, हरे कृष्ण जी। सॉरी, आप बैठिए प्रभु, आप कंफर्टेबल है बैठने में? अच्छा बैठिए। तो भक्ति की जो जो क्रम बताया, क्या क्रम? आदो श्रद्धा तत साधु संग तथा भजन क्रियो ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, उसके बाद भाव और अंत में प्रेम, अंत में प्रेम। ये सोपान, ये सीढ़ियां हैं भक्ति की, भक्ति का क्रम विकास, किस तरह से भक्ति आगे 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 बढ़ती है। इस उपदेशामृत ग्रंथ में समझिए क्या है, ध्यान से देखिए। उपदेशामृत ग्रंथ में कुल 9 श्लोक हैं, 11 श्लोक हैं। कुल 11 श्लोक में ये भक्ति के 9 के 9 सोपान, भक्ति की 9 की 9 स्टेजेस इन 11 श्लोकों में अच्छे से कवर हो जाएंगे। कैसे? उपदेशामृत ग्रंथ का जो हमने पहले श्लोक किए 2 और जो आज तीसरा आरंभ करेंगे, वो किसके अंडर आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? श्रद्धा के। जिसका ये 3 श्लोकों में प्रवेश हो गया, जिसके हृदय में ये 3 श्लोक अच्छे से धारण कर लिए जिसने, उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो रही। ये श्रद्धा मूलक है, या दूसरी तरह से समझिए, जिसके ये पक्का हो जाएंगे उसकी श्रद्धा भी पक्की हो जाती है ना। ये आसान लग रहा है, पर श्रद्धा यहां से शुरू होती है। जिसका वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिब्बा का, उदर का, उपस्थ का, सबका हो गया, उसकी मात्र श्रद्धा हुई अभी, मात्र श्रद्धा हुई अभी। देखिए, हम बात करते हैं प्रेम भक्ति की। पहले 3 श्लोकों में श्रद्धा, उसके बाद के 3 श्लोकों में साधु संग किस तरीके से किया जाए, साधु संग की महिमा, साधु संग कैसे करना है, इस चीज का उपदेश दिया किसने? श्री रूप गोस्वामी पाद ने। ठीक है, छठ गोस्वामी में से जो रूप गोस्वामी थे, उन्होंने अगले 3 श्लोकों में साधु संग की महिमा बताई। उसके बाद अकेला 7वां श्लोक, अकेला 7वां श्लोक ऐसा श्लोक है जिसमें देखिए 4 प्रकार के भक्ति के सोपान मात्र 1 श्लोक में कवर हो जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक, कौन सा? उपदेशामृत का 7वां श्लोक। उसमें आपकी भक्ति के 4 स्टेजेस, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि, ये सब उत्पन्न हो जाएंगे जो इस 7वां श्लोक में स्थित हो गए। तत्पश्चात 8वां श्लोक क्या है? आपकी आसक्ति गाढ़ी कर देगा, 8वां श्लोक। उसके बाद यहां तक 8 श्लोकों तक वैदिक भक्ति की बात होती है। पहले 8 श्लोकों तक विधि से जो भक्ति, नियमों से जो भक्ति होती है, रूल्स और रेगुलेशन से जो भक्ति होती है, ठीक है, पहले 8 श्लोकों में उसकी बात होगी। 9 श्लोकों से लेके 11 तक, 9वें श्लोक से 11वें श्लोक तक अब वैदिक भक्ति को सरपास कर, वैदिक भक्ति कर जो गुरुजी ने रूटीन बताई है, रेगुलेशंस बताए हैं, डूज एंड डोंट्स बनाए हैं, वो फॉलो कर भगवान श्री कृष्ण किंचित मात्र कुछ बिंदु, कृपा बिंदु उस भक्त को प्रदान कर देते हैं, और वो वैदिक भक्ति का अतिक्रमण कर भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव गुरु परंपरा के बल पर वो राग रागानुगा भक्ति में प्रवेश पाता है। रागानुगा भक्ति की बात उपदेशामृत ग्रंथ में श्लोक संख्या 9 से 11 में होगी, जहां पे आखिरी 2 सोपान भाव और प्रेम का वर्णन आएगा। ठीक
ठीक है। यह समस्त सिनॉप्सिस आपको बता दिया कि इस उपदेश अमृत ग्रंथ में है क्या। पहले दो श्लोक हमने पिछली बार कर लिए थे, कोई बोलना चाहता तो बोल सकता है, नहीं तो आगे चलें। पिछले सप्ताह पूरी डिटेल में हो गए थे, चले आगे। पहले दो श्लोक, श्लोक एक वो भी श्रद्धा मूलक है, श्लोक दो ये भी श्रद्धा मूलक है। पहला श्लोक 6 वेदों पर किस प्रकार से हम लोग जय पा सकते हैं वो भी समझाया गया था। 6 वेग होते क्या हैं पहले वो बताया, फिर इन पे जय कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो बताया। तत्पश्चात 6 जो दोष हैं उनको, वो कौन से दोष हैं और उन पे कैसे विजय प्राप्त करनी है वो बताया गया। श्लोक 3 श्रद्धा मूलक, ये भी आज हम इसको डिस्कस करेंगे। वी हैव लिमिटेड टाइम, थोड़े समय में हमने सब कुछ करना है। तो अब अगला श्लोक श्रद्धा मूलक श्लोक आज हम लोग श्रवण करते हैं, श्लोक का उच्चारण करेंगे। जिसको हिंदी में थोड़ी कठिनाई आती है, मेरे गुरु, ये गुरु भाई जी हमारे हैं करण प्रभु जी, इन्होंने बोला हिंदी में थोड़ा मुश्किल है, तो इनकी, इनको सरल लगे तो इंग्लिश में भी इसका संधि विच्छेद करके दिया है, तो हम इसका उच्चारण करेंगे, सब मिलके कोशिश करते हैं। उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर् भक्ति प्रसिद्धति। फिर बोलने की जरूरत है, एक बार फिर बोलेंगे, देन वी टेक ऑन, है ना। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भिर् भक्ति प्रसिद्धति। पिछली बार हमने किया था षड्भिर् भक्ति विनश्यति, मतलब भक्ति का नाश हो जाता है। अब ये 6 चीजें करेंगे तो भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति बढ़ जाएगी। 6 चीजें कौन सी हैं समझते हैं। सबसे पहला उत्साह, उत्साह किस में, मूवी की टिकट मिल गई, मैच का टिकट मिल गया, उससे उसमें उत्साह, कौन सा उत्साह, भक्ति मूलक उत्साह। भक्ति के अनेकों अनेक अंग हैं, उसको अनेकों अनेक अंगों को पालन करने के लिए जो उत्साह, इससे क्या बढ़ेगा हमारा, षड्भिर् भक्ति प्रसिद्धति, क्या बढ़ता है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या उत्साह, किसमें उत्साह, भक्ति के अंग को पालन करने में उत्साह। दूसरा निश्चयात, निश्चय से, दृढ़ निश्चय से, शास्त्र के वचनों में और शास्त्र के अनुकूल जो गुरुदेव हैं उनके वचनों में दृढ़ निश्चय। सबसे पहला उत्साह, फिर निश्चयात, निश्चय किसका, शास्त्र के वचनों में और शास्त्र अनुकूल जो गुरुदेव हमारे हैं, शास्त्र से अभिन्न गुरुदेव है। शास्त्र कौन सिखाएगा हमें, शास्त्र का गूढ़ तत्व कौन बताएगा हमें, चलो गुरुदेव, उनकी कृपा प्रार्थना से भक्ति राज्य में सब कुछ जय पाया जा सकता है। आप के गुरुदेव 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, या आपके गुरुदेव आज इस भौतिक संसार में लीला नहीं भी कर रहे, वो नित्य लीला में प्रवेश हो गए, फिर भी आप उनका संग कर सकते हैं। उनका संग उनकी वाणी के द्वारा, उनके वचनों पे चलकर, उनके जो 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 उन्होंने जो अपनी कथाओं में या अपने उपदेशों में आपको बताया, उन उपदेशों को धारण कर अपना जीवन यापन करना गुरुदेव का वास्तविक संग है। तो शास्त्र अनुकूल वचनों में और शास्त्र अनुकूल गुरुदेव के वचनों में दृढ़ निश्चय भक्ति को क्या करेगा, विनाश कर देगा, क्या करेगा, बढ़ा देगा, उन्नति हो जाएगी भक्ति में। ठीक है, इज दैट ऑल राइट। तीसरा क्या होगा, धैर्यात,
अब ये तो बड़ा मुश्किल है यार, मैं तो 5 साल हो गए हरिनाम लिते नू, मैं तो नाम दी माला कर करके किस छड़ी है, उंगलियां च मेरे दर्द हो गया, उंगलियां विंगी हो गई ने, है ना, पर बंदी नहीं पी गल कुछ। आशा रख है, क्या बोलते थे प्रभु, आशा रख पगली आएंगे, है ना, ये बड़ा बढ़िया एक पद है किसी ने बनाया उनके लिए, ये क्या नाम है उनका, भीलनी के लिए बताया, भीलनी को बताया कि राम आएंगे, तो भीलनी कौन थी, शबरी, जो बेर खिलाई थी जिसने राम को, कितने साल वो जवान 16-17 साल की लड़की थी जब मतंग ऋषि ने उसे बोला कि जरूर राम आएंगे, और वो बूढ़ी हो गई 1000 साल पुरानी, आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनता नहीं है, चला जाता नहीं है, है ना, और उसने धैर्य धारण करके रखा। धैर्य मतलब, धैर्य का क्या मतलब है कि जो हमारा प्रयोजन है, जो हमारा गोल है, उसको अचीव करने में अगर चाहे जितना मर्जी समय लगे कोई बात नहीं, ये जन्म लग जाए कोई बात नहीं, अगला जन्म लग जाए कोई बात नहीं, जन्म जन्म लग जाए कोई बात नहीं, भक्त मोक्ष नहीं मांगता, भक्त अगर सही दिशा में चल रहा है, गुरुदेव के वचनों में चल रहा है, वो बार बार जन्मों से घबराता नहीं है, उसे पता है मेरी गाड़ी सही दिशा में आगे बढ़ गई है, ठीक है। तो धैर्य क्या हुआ, अगर अपनी प्रयोजनीय वस्तु के अंदर कोई प्राप्ति में विलंब होता है, फिर भी बने रहना भक्ति में, और भक्ति में बाधा आने पर भी भक्ति में बने रहना, यह भी धैर्य है। भक्ति में अनेकों बाधाएं आएंगी, सुजीत जी के बच्चों के एग्जाम आएंगे, है ना, पर भजन नहीं छोड़ना, धैर्य धारण करके रखना है, किसी का कुछ और हो जाएगा कि अपनी अपनी जिम्मेवारियां जैसे सो कॉल्ड चल रही है संसार में, तो सबने धैर्य धारण करना है। तीसरा, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, मत प्रवर्तन मतलब उसके अंदर रत हो जाना, किसमें, तत् तत् कर्म, तत् वस्तु कौन है, भगवान, उनके कर्म कौन से हैं, भगवान के लिए किए जाने वाले कर्म कौन से होते हैं, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, ये सारे नवदा भक्ति जिसे कहते हैं, ये सब भक्ति के अंगों का पालन करना, 64 अंग भक्ति अपना शिला रूप गोस्वामी जी ने बताए, 64 भक्ति अंग बताए, इन भक्ति अंगों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना, उससे क्या होगा, भक्ति प्रसिद्धति। फिर आ जाएंगे संग त्यागात, संग त्यागात मतलब संग छोड़ देने, संग कौन सा, गौड़िया मठ, क्या छोड़ने को बोले, कौन सा संग छोड़ना है, हैं, बुरे वाला, बुरे वाला कौन सा, वीडियो गेम वाला, लैपटॉप में जो माइनक्राफ्ट, कौन सा संग छोड़ने से भक्ति की उन्नति होती है, असत संग, हाँ माता जी फ्रॉम जीरकपुर बोले, जिसने हरि नाम नहीं लिया, ऐसे कैसे हो सकता है, है? भक्तों का संग करना है और भक्तों का संग छोड़ देना है, मोटी बात समझ दें, इसकी डिटेल बहुत है, इसमें महीना लग सकता है इसको एक्सप्लेन करने में। असत संग छोड़ देना है, जो व्यक्ति या जो संग भक्ति के अनुकूल नहीं है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ग्रुप में, जिस सोसाइटी में भक्ति से रिलेटेड कुछ डिस्कस नहीं होता, वो हमने छोड़ देना है, क्योंकि अभी तो कच्चे हैं ना, अभी तो सिर्फ श्रद्धा है, श्रद्धा वाली स्टेज में है, जिसकी कोमल श्रद्धा होगी ना, जिसने कहा जी पलाने 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 महाराज तो तुम्हारे गुरुजी से भी बढ़िया कथा बोलते हैं, तो अभी तो कच्चा है, वो देखो वाकई यार गुरुजी से भी बढ़िया, अपनी माला जमुना जी में प्रवाहित कर देगा, है? तो
अभी नहीं, जब तक कोमल श्रद्धा है, निरंतर साधु संग, साधु संग कभी नहीं छोड़ना। श्रद्धा अभी कोमल है, अपने आप को बचा के रखना है, किससे? असत संग से। नेक्स्ट इज सतोवृत्ति, सतोवृत्ति धारण करनी है। सतोवृत्ति में सात्विक भोजन, सात्विक विचार, साधु जैसे रहते हैं उस तरह रहने का प्रयास करना है, ठीक है। दिस इज सतोवृत्ति। अगर हम ये छह काम करेंगे, छह गुण धारण करेंगे तो हमारी भक्ति प्रसिद्धति। इज दैट ऑल राइट? शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक? अभी तक हम भक्ति की पहले सोपान, पहली सीढ़ी पर हैं। पहली सीढ़ी कौन सी है? श्रद्धा। पहले तीन श्लोक श्रद्धा मूलक हैं। अब साधु संघ होगा। श्लोक संख्या चार से लेकर श्लोक संख्या छह तक, छह तक साधु संघ के बारे में बताएंगे। साधु संघ क्या चीज है और साधु संघ करना कैसे है, ये हितेश मलिक हरिबल्लभ दास नहीं बोल रहा, ये आपके पास रूप गोस्वामी बता रहे हैं आपको। रूप गोस्वामी आपको बता रहे हैं, और इनफैक्ट ये महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी को ये चैतन्य महाप्रभु ने अनेकों इंस्टेंसेस पे बताया। तो साधु संग करने के छह तरीके, छह तरीके कैसे होते हैं? जब वृतासुर को, वृतासुर का इंद्र के साथ संग्राम हो रहा था, तो बड़ा सुंदर उसने कुछ श्लोक बोले जिन्हें क्या बोलते हैं, वृत्रासुर गीता, वृत्रासुर का गीत। उसमें से एक श्लोक है, उसमें वृत्रासुर बोलता है मैं क्या चाहता हूं, वो बताता है मैं क्या चाहता हूं। वृत्रासुर बोलता है मम उत्तम श्लोक जनेषु साख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। मैं संसार में चाहे जू ही घूमता रहूं कोई बात नहीं, आई एम नॉट बॉदर्ड, मुझे परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र इच्छा ठाकुर अगर पूरी करना चाहते हो ना तो कर दो। कैसे? मम उत्तम श्लोक, मुझे भगवान के भक्तों के साथ मेरी दोस्ती करवा दो, मेरी मित्रता करवा दो। एकमात्र चीज भक्त क्या चाहता है, भगवान के भक्तों के साथ मित्रता। परंतु मित्रता या उनका संग निभाना भी तो आना चाहिए। तो संग कैसे करना है साधु का, ये आज सीखेंगे। रूप गोस्वामी पाद श्लोक संख्या चार में बताते हैं, ददाति प्रतिगिणाति गुह्यम मख्याति पृच्छति भुंकते भोज्यते चैव षड्विद्धिं प्रीति लक्षणम्। ठीक है, बोलना चाहेंगे? साथ साथ बोलेंगे, कोशिश कीजिए। ददाति प्रतिगिणाति गुह्यम मख्याति पृच्छति भुंकते भोजयति चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम मख्याति पृच्छति भुंकते भोजयति चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। प्रीति के चार लक्षण हैं। दोस्ती प्रीति चार प्रकार से हो सकती है। कैसे? देना और लेना, साधु की प्रिय वस्तु साधु को भेंट करना है। क्या छे? अच्छा सॉरी, श्लोक संख्या चार, आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं, आई एम सॉरी। छह प्रकार से साधु का संग हो सकता है। देना और लेना, साधु को क्या देना? अपना सर्वस्व देना। पर हमारा सर्वस्व भी चले जाएगा, साधु का बनेगा नहीं कुछ, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास, अपना अपना विचार कर सकते हैं। तो देना क्या है साधु को? साधु की प्रिय वस्तु। हरि बोल। साधु को, साधु की प्रिय वस्तु देना।
ठीक है। और साधु से लेना, साधु से आदान प्रदान करना, देना और लेना। उसके बाद नेक्स्ट, गुह्यम अख्याति पृच्छति। गुह्यम अख्याति, अख्याति मतलब बोलना साधु से, गुप्त बात साधु से करना, और गुप्त रहस्य साधु से पूछना। गुप्त बात क्या पूछेंगे, साढ़े कुड़ी दे घर मुंडा कदों होएगा, बच्चा कदों होएगा, मेरे बेटे का ब्याह नहीं होंदा पिया, तुसी जरा देख के मेरा हाथ दसो कदों ब्याह होएगा। ये कौन सी गुहे बात पूछनी है शब्द से, कौन सी गुप्त बात पूछनी है, भजन में मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, ये पूछना है भगवान अपना साधु। और बतानी है और अपने मन की बात, अपने समस्त बात साधु के आगे खोल देना अपना चित्त, छुपा के कुछ नहीं रखना साधु से, साधु से कुछ छिपा के नहीं रखना, गुप्त से गुप्त बात भी साधु को बता देनी है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूं, मैं भजन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे बताइए मैं कैसे बढ़ सकता हूं। ठीक है, परंतु कोशिश कीजिएगा ये सांसारिक बातों में साधु को ना इन्वॉल्व कीजिए, साधु का समय मत बर्बाद कीजिए। गुरु महाराज जी एक प्रसंग बताते, बठिंडा में एक माता जी आई थी बताने पूछने की मेरे घर मुंडा नहीं है, मेरे मुंडा कदो होएगा। तो क्या साधु क्या क्या वस्तु दे सकता है, और क्या आप मांग रहे हैं उससे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। भुंकते भोजयते चेव, साधु को कुछ ना कुछ खिलाना है, और साधु के पास आएंगे तो साधु भी खिला के भेजेगा। अगर ये छह प्रकार के चीज करते हैं, देना लेना, पूछना और बताना, खाना और खिलाना, ये छह चीजें करेंगे, इससे क्या होगा, साधु संग होगा, प्रीति बढ़ जाएगी। किसमें प्रेम बढ़ जाएगा, साधु में। इज दैट क्लियर, इज दैट ऑल राइट। ठीक है जी, तो छह प्रकार से किस तरह से संग होगा बताओ बेटा, बोल माइक दे दो उनको, प्रभु जी को अपना नाम बताओ प्रभु जी पहले। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग फॉर हिम, वेरी गुड। आप पहली बार आए, रेगुलरली आइएगा, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है जी, आगे चलें, श्लोक संख्या 5 में चलेंगे अब। साधु संघ में पहला सोपान हमने पता चला, साधु संघ किस प्रकार होता है। अब इमीडिएटली क्वेश्चन पता चलेगा, इमीडिएटली मुझे साधु का संघ तो ऐसा होता है, पर साधु को कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा साधु किस स्टेज का साधु है, किस साधु का संग करना है, किस साधु को मात्र प्रणाम करना है, और किस साधु को मात्र मन से आदर करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये अगले पंचम श्लोक में बताया, उपदेश अमृत ग्रंथ श्लोक संख्या 5, साधु संग। कृष्णे पियस्य गिरी तम मनसा द्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणितिभिश्च भजन्तमीशम्, शुश्रूषया भजन विज्ञम् अन्य निन्दादि शून्यम्, अन्य निन्दादि शुद्ध हिदम् इप्सिता संग लब्धया। बुलवाएंगे नहीं आपसे, डोंट वरी। कृष्णेति यस्य गिरी तम मनसा द्रियेत, ध्यान से सुनिए, साधु का संग, साधु को पहचानने की 3 स्टेजेस, कैसे साधु को पहचानेंगे। अब ये तो बता दिए साधु के साथ 6 तरह से संग होता है, हाउ टू नो ये साधु किस स्टेज का है, हमारी सीमित बुद्धि से चेष्टा करके देखते, पहले से पता होना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरी तम मनसा द्रियेत, सबसे पहले जिस व्यक्ति का, चाहे वो
दीक्षित हो चाहे वो अदीक्षित हो, दीक्षित हो चाहे अदीक्षित हो, अगर वो कृष्ण नाम कर रहा है आप उसका मन से आदर करेंगे, मन से आदर करेंगे। फर्दर इसको और समझाया गया है, पहले इसको श्लोक का मतलब समझते हैं फिर आगे चलते हैं। पहला क्या हो गया, दीक्षित हो चाहे अदीक्षित हो, जिसके मुख में हरि नाम होगा उसको मन से आदर करेंगे। सेकंड, दूसरा, दीक्षास्ति चेत प्रणितभिश्च भजन्तमीशम, जिसने दीक्षा के तत्व को, दीक्षा का तत्व क्या होता है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तार करे आत्मसम, जिसने ये जान लिया है कि ये मेरी दीक्षा हो गई है, योग्य गुरु से दीक्षा हो गई है और उसने आत्मसमर्पण समस्त प्रकार से गुरुदेव के चरणों में कर दिया है, ऐसे भजन करने वाले को, किस तरह का भजन, अनन्य भाव से भजन करने वाले का, अनन्य भाव से योग्य गुरु से दीक्षित होकर जो व्यक्ति भजन कर रहा है उसको आप, उसको अब पहले बोल दिया मन से आदर करना है, अब बोल दिया उसको प्रणाम करना है। पहला जो कृष्ण नाम करता है, दीक्षित हो या अदीक्षित भी हो, वो माता जी ने बोला था जिसका हरि नाम हुआ हो उसी का संग करना है, आपको जवाब मिल गया आपका। जिसका हरि नाम नहीं भी हुआ पर वो कृष्ण नाम करता है उसको मन से आदर करेंगे, ठीक है, मन से आदर करेंगे, संग में नहीं पढ़ेंगे उसके, ठीक है। दूसरा क्या है, जो योग्य गुरु से दीक्षा का तत्व समझकर भजन कर रहा है, श्री कृष्ण का अनन्य भजन कर रहा है, उसको प्रणितिभिश्च, उसको प्रणाम करेंगे। कोई नोट करना चाहता है तो हमारे पास ये बुक्स हैं और पेन है, कोई नोट करना चाहे तो हमारे पास बुक्स भी हैं और पेन भी है, अगर कोई चाहता है। हाँ है प्रभु, हाँ वो भी लिखा है, जो नहीं लिखा कई बार बोल देते हैं तो उसके लिए। तो दो तरह के वैष्णव हमने अभी डिस्कस किए, तृतीय प्रकार का वैष्णव ये क्या हुआ, हाँ नहीं ये तो उससे होगा, मेरे को लगता है कि वो दब गया शायद, ये दब गया इससे, अब बताओ कैसे कर, अब चलाओ जैसे, ये तो हो गया वहीं से चलेगा, कास्ट करेंगे तब तक। तीसरा प्रकार के वैष्णव का डिस्कशन करते हैं, तीसरे प्रकार का वैष्णव कौन, पहले प्रकार का वैष्णव कौन सा, जिसका हमने मन से आदर करना है, भजन कर रहा है, दीक्षित है चाहे नहीं दीक्षित है उसका मन से आदर करना है। दूसरे प्रकार का वैष्णव दीक्षा के तत्व को समझकर योग्य गुरु से हरिबोल, योग्य गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के बाद अनन्य श्री कृष्ण भजन करता है उसको प्रणाम करना है, उसका संग कैसे करना है, उसको प्रणाम करना है। और तीसरा जो भक्त है उसका नाम उत्तम अधिकारी, वो भक्त को कैसे पहचानना है, वो भक्त दीक्षित है तो है ही है और साथ में अनन्य श्री कृष्ण का भजन कर रहा है वो भी ठीक है, और साथ में अन्य निंदादि शून्य, किसी की भी किसी प्रकार की निंदा नहीं कर रहा, निंदा चुगली किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहा, वो एक ऐसे सोपान पे पहुंच चुका है जहां पे उसे सब जीवों में श्री कृष्ण का ही अधिष्ठान नजर आता है, उसे सभी जीवों में
श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, इसलिए वो किसी की भी निंदा नहीं करता। ऐसे उत्तम भक्त को उत्तम अधिकारी वैष्णव कहा जाता है। उसका संग कैसे करना है, पंचम श्लोक में बताया। उस व्यक्ति का संग कैसे करना है, पहले का तो मन से आदर किया, दूसरे का प्रणाम करके आदर किया, तीसरे उत्तम अधिकारी का संग और सेवा करनी है, उसका संग और सेवा करनी है। उसके साथ ददाति पति गिनाती गुह्यम ख्याति पृच्छति भुंचते भोक्यते भोजयते चैव षड्विद प्रीति लक्षणम, ये छयों उसके साथ करने हैं। संग किसका करना है, टॉप मोस्ट उत्तम अधिकारी का। ठीक है, आ जाए इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है, अ डिवोटी हू फेथफुली एंगेजेस इन द वर्शिप ऑफ डीटी इन द टेंपल बट डज नॉट बिहेव प्रॉपरली टुवर्ड्स अदर डिवोटीज और पीपल इन जनरल इज कॉल्ड प्राकृत भक्त और मटेरियलिस्टिक डिवोटी एंड इज कंसिडर्ड टू बी इन द लोएस्ट पोजिशन। भगवान के श्री विग्रह का तो भजन करना आता है, श्री विग्रह की पूजा वगैरह तो बढ़िया से करता है, परंतु उसे डिवोटीज के साथ डील करना नहीं आता। ऐसा वैष्णव कौन होगा, कनिष्ठ वैष्णव। ऐसे वैष्णव के साथ किस तरह बिहेवियर होना चाहिए हमारा, उसको केवल मन से आदर करना है। ठीक है, ठीक है, मन से आदर करना है। और आदर किस प्रकार करना है, प्रभु जी कितनी निष्ठा से आप देखो विग्रह सेवा करते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम में तो ये निष्ठा का भी अभाव है, आप हमसे हजारों गुना अच्छे हैं। इस मन के भाव से नहीं, तुम तो बस इसी के लायक हो, ऐसा नहीं सोचना, ध्यान से समझिए। सेकंड, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं मध्यम अधिकारी कौन है। मध्यम अधिकारी अब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया, जिसने दीक्षा ली है योग्य गुरु से, दीक्षा का तत्व समझ गया, वो कैसे डील करता है या उसके साथ कैसे डील करना चाहिए इसमें बताएं। तो मध्यम अधिकारी जिसको प्रणाम करना है उसकी क्या विशेषता है, क्या विशेषता है, ईश्वरे तदनीशु बालिशेषु दुष्यत्सु च, और प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यम। मध्यम वैष्णव जिन्हें हमने प्रणाम करना है वो कैसे होने चाहिए, समझिए ध्यान से। उनको चार चीजें आनी चाहिए, क्या, ईश्वर में प्रेम, भगवान के अंदर उनका प्रेम होना चाहिए, भक्तों में तद अधीनेशु, अधीनेशु मतलब तद मतलब उनके अंदर अधिष्ठित हैं, यानी किन के अंदर अधिष्ठित होते हैं भगवान, भगवान किन के हृदय में रहते हैं, भक्तों के, तो उनको भक्तों में प्रेम हो, भक्तों के साथ फ्रेंडशिप हो, ईश्वर में प्रेम। जिस वैष्णव का ईश्वर में प्रेम है, भक्तों के साथ मैत्री है, और बालिशों पे जो थोड़े अल्पज्ञ हैं, जो भी इग्नोरेंट हैं, तत्व को नहीं जानते, अभी नए नए आए हैं, उन पे कृपा करें। और दुष्यत्सु जो द्वेषी लोग हैं, पीपल हु आर जेलस उनकी उपेक्षा करें, उनको इग्नोर करें। जिनको ये चार क्वालिटीज आती हैं, इस तरह का वैष्णव से बिहेवियर करना आता है, या भगवान में इस तरह का जिनमें जिनका प्रेम है, वो कौन है, मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी को क्या करना है, मन से आदर प्रणाम। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ, सो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वैष्णव विच इज उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी कौन होते हैं, टॉप मोस्ट। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवतात्मने भगवती आत्मनेश भागवतोत्तमः।
कौन सा उत्तम भागवत है? जो हर स्थान में भगवान को देखता है, हर व्यक्ति में, हर कण कण में, हर जर्रे जर्रे में किसका दर्शन करता है? भगवान का। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सर्वदा, है ना? क्या कहते हैं? विद्या विनय, भगवत गीता में बोलते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गावी हस्तिनी। विद्या की सार्थकता केवल एक प्रकार से है, अगर ब्राह्मण में, गऊ में और हाथी में, सब में वो किसका दर्शन करता है? श्री कृष्ण का। ये तो छोड़ो, आगे क्या बोल दिया? शुनिचैव श्वापाके चैव, शुनिचैव श्वापाके च पंडिता समदर्शिना। कुत्ते का मांस पका के खाने वाले के अंदर भी वो श्री कृष्ण का दर्शन करता है। ऐसा वैष्णव अगर होगा तो उसको, और निंदा शून्य वैष्णव का, उसका संग और सेवा करना है। जय पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रबोध विष्णु दैवत महाराज की जय। महाराज उपदेश अमृत पाठ कर रहे हैं। कोई बात नहीं महाराज, जैसे जैसे बैठा सामने महाराज ने। यहाँ बैठे हैं तो चाहे सामने बैठे, जहाँ अच्छा है, या इधर पंखे में नीचे कर दे, या ठीक है महाराज, ठीक। महाराज ने देखी स्क्रीन, ये तो हमारे देखने की है। महाराज ने तो सारी जीवन ही देखा है, इन्होंने तो जीवन जिया ही है। ये तो हमारे लिए नवा नवा मुल्ला, अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता है ना। तो जो व्यक्ति निंदादि शून्य है, सभी व्यक्तियों में, सभी कणों में, जर्रे जर्रे में भगवान का दर्शन करता है, ऐसे वैष्णव का संग और सेवा करनी चाहिए, ठीक है। पंचम श्लोक कवर्ड। अब आ जाएंगे षष्ठम श्लोक पे। षष्ठम श्लोक, सिक्स्थ श्लोक, सिक्स्थ वर्स। देखो अभी तक पहले दो श्लोकों में, पहले दो श्लोक यानी श्लोक संख्या चार और श्लोक संख्या पांच में आपको बताया साधु संग कैसे करना है। अब उपदेशामृत तो श्लोक संख्या छह में फिर दोबारा साधु संग को और दृढ़ता पूर्वक बताया कि किस बात का ध्यान रखना है, वैष्णवों का किस प्रकार लेना देना, पूछना, खाना खिलाना तो हो गया, वैष्णवों का अधिकार भी पता चल गया, कनिष्ठ अधिकारी कौन है, मध्यम अधिकारी कौन है, उत्तम अधिकारी कौन है, अब किस चीज का वैष्णवों के साथ डीलिंग में ध्यान रखना है, वो छेवें श्लोक में बताएंगे। दृष्टि स्वभाव जनित वपुश्च दोषे ना प्रकृतत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत गंगा अम्ब सामना खलु बुद्बुद पेन पंकैर ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्म नीरधर्मै। अभी श्लोक नहीं बोलेंगे, इस श्लोक का मतलब क्या है? दृष्टि स्वभाव जनितैर वपुश्च दोषे न प्रकृतत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत। कभी किसी ने गंगा जी के दर्शन किए? किसी ने किए? हाथ खड़ा कर सकते हैं। गंगा जी के दर्शन जिन जिन ने किए, गंगा जी दर्शन नहीं किए आपने? आप हाथ खड़ा करना चाहेंगे? अच्छा ठीक, आज मूड ऑफ है क्या? बहुत हो गया कह रहे हैं, मतलब बहुत हो गया। ये भी कितना, हर रोज ही कथा, हर रोज ही कथा, ये बात हुई है, कितनी कथा, ये बात हुई। तो गंगा जी के दर्शन हमने किए, अभी तो गंगा जी के दर्शन, अब तो गंगा जी बहुत पवित्र, बहुत साफ कर दिए। अगर गंगा जी के पास, तट के पास जाओ तो वहां देखेंगे कि गंगा जी के जल में काई जमी होती है, होती कि नहीं होती है? वहां बुलबुले से बने होते हैं, काई जमी होती है, गंदगी होती है, फेन समझते हैं फेन, वो झाग सी बन जाती है, वो झाग सी बनी होती है, इतना गंदा लगता है, पास जाके स्मेल आती है, हाथ धोने मुश्किल है, और
पर साधुओं को देखो, साधु लोग आते हैं वो बिल्कुल एकदम एकदम निर्वेद, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। साधु लोग आते हैं, चरणामृत लेते हैं, आचमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, अपने को धन्य धन्य मानते हैं। ये क्या चक्कर है? देखिए इस श्लोक में रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं। रूप गोस्वामी बोलते हैं, गंगा अम्बसाम ना खलु बुदबुद फेन पंकैर ब्रह्म द्रवत्वम द्रवत्वम अपगच्छति नीर धर्म। यद्यपि गंगा जी में बुदबुद फेन और पंका मतलब काई गंदगी झाग इत्यादि सब कुछ है, उस वक्त वहां बदबू भी नजर आएगी, परंतु याद रखिए वो गंगा जी का पवित्र जल है, वो साधारण जल नहीं है। ब्रह्म द्रवत्वम नीर धर्म, जो उसका नीर धर्म है, पतितों को पावन करने का जो धर्म है वो एज इट इज बरकरार है। वो पतितों को पावन करने की शक्ति रखती है। इसी प्रकार वैष्णव के अंदर बाहरी दृष्टि से तुम्हें नजर आ सकता है, ये प्रभु जी तो थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं, ये प्रभु जी की तो एक आंख बंद है एक आंख ठीक है, ये प्रभु जी तो दिखने में सुंदर नहीं है, बड़े गंदे से दिखते हैं, ये प्रभु जी कपड़े अच्छे नहीं पहनते, ये माता जी दिखती नहीं अच्छी है, कपड़े नहीं अच्छी पहनती, दिखने में उनके दोष दिख सकते हैं। फिर कोई वैष्णव थोड़ा सा कड़वा बोलने वाला हो सकता है, क्या कर दिया यहां पे, सारा झूठा कर दिया, पड़ती है ना डांट मठ में, हे झूठे हाथ लगा दिए, यहां कहां बैठ गए, यहां तो महात्मा बैठते हैं। कोई व्यक्ति कोई वैष्णव आपको सिखाने के लिए डांट सकता है, परंतु याद रखिए उस वैष्णव के चरणों में अपराध कभी मत कीजिएगा। उसका स्वभाव है थोड़ा कड़वा कटु बोल सकता है, पर अंदर से वो कौन है, गंगा की भांति पतितों को पवित्र करने की शक्ति धारण जिस करके रखता है वो वैष्णव है। तो कोई कड़वा बोल सकता है, कोई डांट सकता है, कोई वैष्णव में गुस्सा हो सकता है, स्वभाव जनित दोष हो सकता है ना, कोई वैष्णव दिखने में मोटा हो सकता है, कोई बिल्कुल दुबला हो सकता है, कोई वैष्णव गुस्से वाला है ना, बहुत हंसने वाला या रोने वाला या बात बात पे कुछ बोलने वाला किसी भी प्रकार का हो सकता है, परंतु याद रखिए वो कौन है, वैष्णव। वो किनके हैं, वो किनकी सुपरविजन में है, वो किनके कंट्रोल में है, वैष्णव किसके होते हैं, विष्णु के, भगवान के। हमारा उनपे शासन करने का अधिकार नहीं है। तो हमने रूप गोस्वामी षष्ठम श्लोक में बताते हैं साधु का संग कैसे करना है, और जो वैष्णवों के अंदर स्वभाव जनित दोष हैं उनको नहीं देखना, और वपुष्ट दोषे शरीर के दोष नहीं देखने। वैष्णव कोई गुस्सा कर सकता है, कुछ डांट सकता है, कोई बात नहीं, वो वैष्णव ही, उनको सर्वते हमारे पूज्य हैं, है ना, भक्तों में ये नहीं देखते, ना भक्त जनस्य पश्येत, नहीं देखना। श्लोक संख्या 7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक रूप गोस्वामी उपदेशामृत ग्रंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, क्योंकि इसके अंदर भक्ति के 4 सोपान, इसमें चारों सोपान इकट्ठे एक ही श्लोक में हो रहे हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक श्रद्धा मूलक श्लोक बताए गए, श्लोक संख्या 4 से 6 तक साधु संघ मूलक श्लोक थे, अब श्लोक संख्या 7 किसके बारे में है, श्लोक संख्या 7 में 4 सोपान 4 स्टेजेस ऑफ भक्ति इसमें पार होते हैं। चारों स्टेजेस भक्ति कौन सी हैं, अनर्थ निवृत्ति ना भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा एवं रुचि। ध्यान से सुनिए श्लोक क्या बोलते रूप गोस्वामी, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीता पी अविद्या
पित्तोपतप्स रसनस्य नरोचिकानु किंतु तव आदरात् अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गत मूल हंत्री। ध्यान से सुनिए क्या बोलते रूप गोस्वामी। आज समय रहेगा तो क्विज करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और नोट करते रहिएगा। किसके पास नोटबुक नहीं है, हमारे पास नोटबुक और पेन दोनों है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीता अपि अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नारोचिकानु। जो श्री कृष्ण का नाम है वो कैसा है? मीठा है। श्री कृष्ण का नाम कैसा है? बहुत मीठा है। किसको लगता है मीठा? किसी को नहीं लगता, प्रभु को लगता है मीठा है, मीठा है, मीठा है। देखिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपको मीठा लगता है। ये प्रारंभिक अवस्था में बता दीजिए, जब हमारी श्रद्धा से ऊपर साधु संग होने के बाद ये स्टेज आती है। श्री कृष्ण का नाम करते करते थोड़ा मन नहीं लगता, कई बारी बोझ लगता है, बर्डन लगता है, मन नहीं लगता है ना। उसका सल्यूशन इस श्लोक में रूप गोस्वामी ने दिया। ये रूप गोस्वामी का उपदेश अमृत ग्रंथ है जो बताता है हरि नाम कैसे करना है, हाउ टू चैंट हरि नाम। जो श्री कृष्ण का नाम मीठा है, मिश्री से भी मीठा है, वो श्री कृष्ण का नाम एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए या एक ऐसा व्यक्ति ले दे जो रोगी है, जो अपराधी है, जिसके अनेकों अनेक पाप हैं, जिसके अनेकों अनेक अपराध हैं, जिसकी इतने दुर्बलता है, वो उसको मीठा नहीं लगेगा, मीठा नहीं लगेगा श्री कृष्ण का नाम। श्री कृष्ण का नाम उसे मीठा नहीं लगेगा, इसी करके वो बर्डन लगता है। ये किस प्रकार संज्ञा कह दी इसका, उसका एग्जाम्पल क्या दिया रूप गोस्वामी ने? समवन हु सफरिंग विद जॉन्डिस, किसी को जॉन्डिस हो जाए, किसी का पित्त रोग हो जाए, पित्त बढ़ जाता ना कफ वायु पित्त, किसी का पित्त रोग बढ़ जाए, जॉन्डिस बढ़ जाए, तो उसे कुछ मीठा खिलाओगे ना वो थूक देगा एकदम, क्योंकि उसको कड़वा लगेगा। तो यद्यपि श्री कृष्ण का नाम मीठा है, परंतु साधक को प्रारंभिक अवस्था में मीठा नहीं लगेगा, मीठा नहीं लगेगा। तो इसका क्या सलूशन है? रूप गोस्वामी क्या सलूशन दिए, इसका क्या सलूशन है? जो मीठा नाम है वो मीठा नहीं लग रहा क्योंकि अनेकों प्रकार के अपराध हैं, कैसे लगेगा? रूप गोस्वामी क्या सलूशन करे, कैसे लगेगा, क्या करना पड़ेगा? किंतु तब आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवती तदगत मूल हंत्री। कहते इस तो श्री कृष्ण का नाम मीठा है परंतु अभी मीठा नहीं लग रहा, तो करना क्या है? आदर सहित, आदर सहित ये श्री नाम ग्रहण करते रहना, बहुत आदर से, कि मुझ में इतना इतना मैं पतित हूं, इतने दोष हैं मुझ में, परंतु फिर भी गुरुदेव ने कृपा करके मुझे अंगीकार, मुझे स्वीकार करके ये हरि नाम दिया। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, फिर भी गुरु जी ने मुझे हरि नाम की माला दी। ये हरि नाम की माला तो महात्मा लोग करते हैं, मैं तो विषय असक्त, कामासक्त, गृहासक्त व्यक्ति हूं, मुझे भी हरि नाम मिल गया, अपना भाग्य समझ के आदर सहित ये हरि नाम करेंगे। आदर सहित जो व्यक्ति हरि नाम करता रहेगा, रूप गोस्वामी कहते हैं क्रम से, धीरे धीरे क्रम से क्या होगा? स्वाद्विक्रमात् भवति, उसे स्वाद आने लग जाएगा। स्वाद देने वाला कहां है? स्वाद कहां है? रस कहां है? रसराज श्री कृष्ण के चरणों में, रसराज श्री कृष्ण के पास वो रस है, उसको स्वाद बनाने वाला गुरुदेव की शक्ति में, गुरुदेव की कृपा में वो बल है कि आदर सहित वो हरिनाम लेते रहेगा तो क्रम से धीरे धीरे वो मीठा लगने लग जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा व्यक्ति बोलेगा इसको छोड़ दो,
हरिदास ठाकुर जी को बोला, आप ये हरिनाम छोड़ दो नहीं तो आपको सजा देंगे। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, खंड खंड होए दे जाए जदि प्राण, तबू आमी बदने ना छाड़ी हरिनाम। मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। वो अवस्था आ जाएगी, वो अवस्था आ जाएगी। ठीक है, तो हरिनाम में मन लगे चाहे ना लगे, आदर पूर्वक बड़े सम्मान के साथ रेगुलरली हरिनाम, फिक्स्ड संख्या जो गुरुजी ने बताई, गुरुजी से आपने जो ली संकल्प किया, उसको करते रहेंगे, धीरे 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 ये तत्व गुरुदेव की कृपा से स्वयं प्रकाशित हो जाता है हृदय में। अब श्लोक संख्या 8 करेंगे, उससे पहले थोड़ा हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं। किसी को पानी पीना है, किसी को उठना है, बाथरूम जाना है, कर सकते हैं। देन वी गो ऑन टू श्लोक संख्या। अब हमारे 8, 9, 10, 11 चार श्लोक पढ़े हैं। ये चार श्लोक तक, ये आठवें श्लोक तक वैदिक भक्ति के बारे में उपदेश दिया रूप गोस्वामी ने। श्लोक संख्या 9 से 11 ये थोड़ा सा अधिकार भेद रहता है इसमें, ये रूपानुगा भक्ति की बात करेंगे श्लोक संख्या 9 से 11 तक। ठीक है, अभी हम करते हैं। पानी किसी को पीना है, किसी को जाना है तो जा सकता है, तब तक निताई प्रभु हरिनाम करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। ठीक है, एक्चुअली पानी मुझे पीना है। पानी लाके देकर मैं जाऊं, रुक बैठ जा, बैठ जा, मैं लेके आता प्रभु।
प्रकार की जितनी भी शक्तियां हैं, जो दान से, जो व्रत से, जो तपस्या से, जो तीर्थ भ्रमण से, जो देवताओं की महत शक्तियों से, जो राजसूय अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त हो सकता है, वो सब ये हरि नाम करने से प्राप्त हो सकता है। आकर्ष्य सर्व हरिणा स्थापितेषु स्वेषु नामेषु, स्थापिता स्वेषु नामेषु। नाम कैसे करना है? मन लगे आदर पूर्वक करेंगे तो नाम प्रभु ही कृपा करके अपना वो कृपा बिंदु आपके आपको अनुभव करा देंगे। अगला श्लोक संख्या, इसे बोलू। अगला श्लोक संख्या 8, उपदेशामृत। ये आसक्ति मूलक श्लोक है, आसक्ति मूलक श्लोक। भक्ति के जो सोपान है उसमें से अनर्थ निवृत्ति सब लोग हो गया है ना, उसकी मूलक श्लोक है अष्टम श्लोक। भजन की प्रणाली, भजन कैसे करना है और कहां रहकर करना है, भजन कैसे करना है और कहां रह के करना है, अगर ये हमारा दृढ़ हो जाएगा तो हमारी आसक्ति हो जाएगी और आसक्ति जब होगी तो ये सब अपने आप होने लग जाएगा। समझ आ गया? तो श्लोक संख्या 8 उच्चारण करते हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु अनुस्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नएद अखिलम इति उपदेश सारम। उपदेशों का सार, सब उपदेशों का सार, कहां तक के उपदेशों का सार? वैधी भक्ति तक के उपदेशों का सार, जहां तक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, जहां तक डूज एंड डोंट्स होते हैं, वहां तक का सार उपदेश कौन सा श्लोक है? श्लोक संख्या 8। श्लोक संख्या 8 क्या बोलता है? तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। क्रम से मतलब इन ऑर्डर, ऑर्डर से, क्रम से अपना मन और अपनी रसना, रसना बोलते जिह्वा को, क्रम से अपना मन और अपनी रसना को किस में लगाना है, भजन कैसे करना है बता रहे हैं। क्रम से पहले अपना, वी हैव टू एंगेज अवर माइंड एंड अवर टंग इन डूइंग दीज एक्टिविटीज। व्हाट आर दोज एक्टिविटीज? तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनान उस्मृत्यो, उनके नाम का, तन बोलते तद वस्तु को, मतलब भगवान, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के चरितादि, उनकी अनेकों अनेक लीलाओं का, यानी भगवान के नाम रूप लीला गुण परिकर ये सब धाम, इन सब की चर्चा में क्रम से अपने मन को और अपनी वाणी को लगाना है, यही भजन प्रणाली है। भजन कैसे करना है? यही भजन है। अपने मन को, अपनी जिह्वा को भगवान के नाम करने में, भगवान के रूप दर्शन करने में, भगवान के गुणों का अनुवाद करने में, गुणों का गान करने में, भगवान की लीलाएं, लीलाओं का गान करने में, डिस्कस करने में, अपना, आगे क्या बोले, कालम नएद अखिलम, अपना समस्त काल, अपना सारा समय इसी में लगा देना है। सारा समय किसी में लगा देना है? भगवान का नाम रूप गुण लीला की चर्चा में। ये तो हो गया भजन कैसे करना है, भजन प्रणाली। भजन कहां रह के करना है वो भी श्लोक में बताया गया है। वो बताया गया कहां? तिष्ठन बजे,
देखो सबसे पहले तिष्ठन बजे तद अनुरागी जनानुगामी, ब्रज में रहकर, ब्रज में रहकर, ब्रज में वास कर किन के साथ वास करना है, तद अनुरागी जनानुगामी, मतलब ऐसे अनुरागी जनों के साथ, अनुरागी जन मतलब जिनका अनुराग किन के साथ है, तद अनुरागी मतलब तद वस्तु भगवान के प्रति जिनका अनुराग है, उनका अनुगमन करते हुए, उनके पीछे पीछे उनकी बताई हुई पद्धति को फॉलो करते हुए ब्रज में वास करना है। ब्रज में वास तो हम चंडीगढ़ में भी कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं, हम वृंदावन चंडीगढ़ में रह कर जा सकते हैं, रह सकते हैं। वृंदावन कहां है, यूपी में, ये चंडीगढ़ है, हम यहां पे वृंदावन में रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं? व्यक्ति वहां होते जहां उसका मन है, आज प्रभु का मन यहां नहीं है, आज प्रभु यहां नहीं है, आपका मन यहां है, आप यहां है, तो आप मन से ब्रज में रह सकते हैं, पर रहना कैसे है, तद अनुरागी जनानुगामी, अनुरागी जन के अनुगामी होकर, अनुरागी जन मतलब प्रेमी भक्तों को फॉलो करके, मन से नहीं। भजन कैसे करना है वो बता दिया, भजन की प्रणाली, और कहां रहकर किनके संग में रहकर भजन करना है वो बता दिया। श्लोक संख्या 8 पक्का हो गया, अष्टम हमारा खत्म, वैधि भक्ति तक खत्म। अब थोड़ा सा विचार भेद है, रागानुगा भक्ति की बात होगी है? क्रम से अपने मन को ब्रज में रहकर, साधु संग में रहकर ये सब करना है, ये सब करना है। और कितने समय के लिए करना है, मठ 1 घंटे आते उतने समय के लिए नहीं, कालम नेद अखिलम इति उपदेश सार्व, अपना सारा समय इसी में लगा देना है। पर मुझे तो बैंक जाना होता है, मुझे तो बिजनेस करना होता है, मुझे तो जॉब जाना है, कोर्ट जाना है, सब कुछ करना है, वो मैं कैसे कर सकता हूं, वो मैं कैसे कर सकती हूं, वो जाना भी आपका भक्ति होगा अगर आप अनासक्त रहकर युक्त वैराग्य धारण करते हैं, तो आपका सब कर क्रियाएं भक्ति हो सकती हैं। ठीक है, एक्सप्लेन प्रभु, आगे चले। अब वैदी भक्ति तक का जो हमारा सफर है वो खत्म। रूप गोस्वामी अब आपको रागानुगा भक्ति के उपदेश देंगे, उसको बिल्कुल बेसिक से रूप में, क्योंकि मेरा तो वैदी भक्ति में ही पक्का कुछ नहीं है, तो उपदेश मैं रागानुगा भक्ति नहीं बोल सकता, पर रूप गोस्वामी की वाणी है उसको पढ़ देते हैं। नेक्स्ट श्लोक, भाव प्रेम, भाव प्रेम, अभी आपको बताया कि रहना कहां है, रहना है हमें ब्रज में, और किनके संग में रहना है, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करते हैं उनके संग में। अब अगले श्लोक में रूप श्रीपाद रूप गोस्वामी इसको खोल के आपको बताते हैं कि किस स्थान में रहना है, भजन का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, भगवान का भजन करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् विंदारण्यम उदार पाणी रमणात् तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृत अप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकिनो को। सिर्फ इसको समझने की चेष्टा करते हैं, मेरी बुद्धि में नहीं आएगा, आपको इसको बड़ा सिंपल करके समझाने की कोशिश करते हैं, इस श्लोक का मतलब क्या है।
वैकुंठ जहां लक्ष्मी नारायण वास करते हैं उससे श्रेष्ठ मथुरा है। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा धाम है। क्यों? क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उनकी जन्म लीला हुई, श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में हुआ। मथुरा श्रेष्ठ है। मथुरा से भी श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? वृंदावन। श्रेष्ठ या वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन। गोवर्धन क्यों? क्योंकि वहां श्री कृष्ण ने बहुत सी अपनी लीलाएं करी, जहां पे श्री कृष्ण खुद गैयां चराने जाते थे, सखाओं के साथ, गोपियों के साथ अनेकों अनेक लीलाएं की। गोवर्धन में भी अनेकों स्थान है, अनेकों स्थान गोवर्धन में है। उनमें से भी जो टॉप मोस्ट स्थान है, जो गौड़िया वैष्णवों का की चरम उपलब्धि वाला स्थान है, परम उपास्य जो स्थान है, वो है राधा कुंड। इज दैट ऑल राइट? समझ आ गया सबको? नहीं आया, बड़ा इजी करके समझाएंगे आपको। ये देखो, बड़े दफ्तर में पीएन होता है, पीएन के ऊपर एक हेल्पर होता है, हेल्पर के ऊपर एक असिस्टेंट होता है, फिर सीनियर असिस्टेंट होता है, फिर हेड क्लर्क होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर जनरल मैनेजर होता है, फिर डायरेक्टर होता है कंपनी का, है ना? ये क्या है? स्टेप्स हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की क्या हायरार्की है, यहां समझाया, ध्यान से देखिए, देख के समझ आ जाएगा। सबसे नीचे आ गया वैकुंठ लोक। ऐसा मत सोचिएगा वैकुंठ नीचे है तो बहुत हल्का है, हम तो सीधा ऊपर ही जाएंगे। राधा कुंड की उपलब्धि इतनी जल्दी, इतनी सरल, इतनी सहज नहीं है, पर अभी सिर्फ एक कंपैरिजन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा? सबसे पहले वैकुंठ है। वैकुंठ से श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? मथुरा। क्यों श्रेष्ठ है? वहां पे जन्माष्टमी होती है। मथुरा श्रेष्ठ है वैकुंठ से। वैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन है। वृंदावन क्यों है सुशील प्रभु जी? हाँ जी, श्री कृष्ण ने रासादी लीलाएं की थी, इस करके वृंदावन श्रेष्ठ है। किससे? मथुरा से। ठीक है राधिका, निन्नी आई है? अच्छा, वृंदावन से श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? गोवर्धन क्यों श्रेष्ठ है? यहां क्या लिखा है? वृंदावन इज फेमस फॉर वेरियस पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड गोवर्धन, बिकॉज कृष्ण लिफ्टेड गोवर्धन हिल लाइक एन अम्ब्रेला, रेजिंग इट विद हिज लोटस लाइक ब्यूटिफुल हैंड टू प्रोटेक्ट हिज एसोसिएट्स। गोवर्धन में ऐसी ऐसी लीलाएं की, गोवर्धन धारण लीलाएं, जो 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 ब्रज का जो प्रेम का अनुसंधान करने वाले वैष्णव हैं, उनको अति बहुत प्रिय होती है। और गोवर्धन में भी जो स्पेशल श्रीमती राधिका के साथ, अष्ट सखियों के साथ वहां पे जो राधा कुंड में जो लीला हुई, वो सर्वोत्तम स्थान है भजन का। भजन का सर्वोत्तम स्थान राधा कुंड है। कल से बैग्स पैक करने हैं, 500 रुपए की टिकट लेनी है और सब लोग राधा कुंड जाएंगे। इज दैट ऑल राइट? कल सबने राधा कुंड जाना है, वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है, मटका के क्या फायदा, सर्वश्रेष्ठ स्थान में भजन करेंगे। इसलिए पहले बोल दिया था, ये अधिकार भेद की बातें हैं, इसको सिर्फ समझने के लिए समझ लीजिए। इसको डिस्कस कर सकते हैं हम एट लेंथ, एक महीना इसके अंदर घुस सकते हैं। श्रीमती राधिका ही क्यों राधाष्टमी पर बताएंगे, और राधा कुंड ही क्यों आपको बताएंगे आगे आने वाली बहुत तिथियां आएंगी। अभी सिर्फ इतना समझना है, सिर्फ कंपैरिजन रिलेटिविटी समझनी है, रिलेटिव एनालिसिस करना है। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से वृंदावन गोवर्धन, और सबसे श्रेष्ठ राधा कुंड। इज दैट ऑल राइट? श्लोक संख्या 9 पूरा, भाव प्रेम राज्य में चल रहे हम। राधा कुंड सबसे सुपीरियर क्यों है, इसका जिक्र थोड़ा किया गया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु
नहीं है जो मधुर रसा श्रीमती राधा और श्री कृष्ण का सेवा बहुत से अन्य संप्रदायों में भी होती है, परंतु यह गौड़िया वैष्णवों का धन है, गौड़िया वैष्णवों का सर्वोत्तम स्थान है, और मधुर संप्रदायों में, मधुर रस के संप्रदायों में नहीं है। कई जगह कुछ और बताया जाता है ना, बंशी भट्ट कहीं जगह बताया जाता है, कहीं कुछ, पर गौड़िया वैष्णवों का जो चरम स्थान है वो राधा कुंड है। क्यों क्या? क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा रूप गोस्वामी के थ्रू इसका अन्वेषण किया था, इसको इसका आविष्कार किया था। सो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, श्लोक संख्या 10, बस हम खत्म कर रहे हैं। 11 श्लोक उपदेश अमृत में थे, अब हम भाव और प्रेम राज्य में हैं। रूपानुगम भक्ति जो लोग करते हैं वो कैसे होते हैं, उनके क्या क्रियाकलाप होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मिभ्यो परितो हरे, अब हमने अभी तक समझा सर्वश्रेष्ठ भजन स्थान कौन सा है, अब हम समझेंगे श्री कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय कौन है। भगवान को तो अनेक लोग चाहते हैं, अब भगवान का सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? पहले बता दिया सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, अब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति कौन सा है, ये 10वें श्लोक में श्रीपाद रूप गोस्वामी बताते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं, कर्मिभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिनास तेभ्य ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्तत तेभ्यस्ता पशुपाल पंकजादृश ताभ्यो अपि सराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयम् तदीय सरसी ताम नाश्रयेत का कृति। श्लोक का क्या मतलब है, दोबारा से स्लाइड देख के समझते हैं और आसान हो जाएगा। ये सुशील प्रभु जी की कृपा से आपको ये स्लाइड यहां समझने की मिल रहा है, ध्यान से समझिए। श्री कृष्ण का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? ये इन्वर्टेड फनल है, इन्वर्टेड फनल में सबसे नीचे वो है विकर्मी कहते हैं। विकर्मी मतलब केवल मात्र अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जी रहे हैं, जो लोग बुरे से बुरा कर्म करने के भी शर्माते नहीं है, चोरी लूट डकैती कुछ भी करने को तैयार है, तो सबसे नीचे विकर्मी होते हैं। इनसे बेटर कौन है? कर्मी लोग। कर्मी लोग कौन? जो निष्काम कर्म करते हैं। बहुत से लोग आपको बताएंगे संसार में क्या रखा है गौड़िया मठ में, वर्क इज वर्शिप, अपना काम बढ़िया से करो, किसी का दिल ना दुखाओ, सब हो जाएगा, भगवान की पूरी कृपा मिल जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना, इससे हो जाता है, भगवान की प्रेमा भक्ति मिल जाती है, हैं? तो वो लोग जो ऐसा समझते हैं कि कर्म करने से और फल की चिंता नहीं करने से मेरा सब कुछ बनता जाएगा, वो कर्मी की श्रेणी में आते हैं, वो विकर्मियों से बेटर है। श्री कृष्ण का एनालिसिस है, श्री कृष्ण किने पे पसंद करते हैं। उसके बाद हायरार्की में नेक्स्ट है ज्ञानी। ज्ञानी कर्मियों से बेटर है। ज्ञानी कर्मियों का चरम लक्ष्य है भोग प्राप्त करना, ज्ञानियों का चरम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो ब्रह्म में स्थित होना चाहते हैं, वो निर्विकार निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ज्योति में ज्योत मिलाना चाहते हैं, वहीं उसी ज्योति में समाज ब्रह्म ज्योति में संलीन होना चाहते हैं, वो ब्रह्म, वो ज्ञानी है। ये कर्मियों से थोड़ा बेटर है, परंतु इसके बाद भी एक स्टेज है, ज्ञानियों से भी भक्त श्रेष्ठ हैं। कौन से भक्त? ज्ञानियों से कौन से भक्त श्रेष्ठ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से हमारे आचार्यों ने इसको एक्सप्लेन किया है। ज्ञानियों से कौन से श्रेष्ठ भक्त कौन से श्रेष्ठ है?
जिन्होंने ज्ञान का प्रयास त्याग दिया है, ज्ञान से उनकी गति नहीं होने वाली, ये जान लिया है, मोक्ष का इच्छा छोड़ दी है। सनकादि ऋषि, चार कुमार थे ब्रह्मा जी के, वैकुंठ में दर्शन करने भगवान के गए, विष्णु के चरणों में तुलसी का मात्र गंध ग्रहण केवल लिया, केवल तुलसी का ग्रहण धारण किया, उतने में ही भक्त हो गए। ज्ञानी का ज्ञान मार्ग छोड़ दिया, ब्रह्म मार्ग जो ब्रह्म वो जो क्या ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा वाला छोड़ दिया लाइन और भक्त हो गए। तो कौन से ज्ञानियों से भक्त श्रेष्ठ हैं? ऐसे भक्त जिन्होंने ज्ञान मार्ग छोड़ दिया है। उन भक्तों से भी श्रेष्ठ हैं कौन से? रागानुग भक्त, जो राग मार्ग से भगवान की भक्ति करते हैं। नारद आदि ऋषि, जो किसी भी शिकारी वैद पतित जीव को भी उद्धार कर सकते हैं किसी भी समय, साक्षात भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे राग से प्रेम से जो भक्त हैं, रागानुगा भक्त हैं, वो श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण जी से बोला मुझे अपने चरणों की रज दे दो, नारद जी ने फटाफट दे दी कि नहीं दी? नारद जी बोलते मैंने नरक में जाना है क्या, मैं नहीं जाऊंगा। फिर आप बताओ कैसे ठीक हो गए? कहते ठीक तो मैं किसी भक्त के चरणों की रज लेने से ही ठीक होऊंगा, तो क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को कहा जाओ ब्रज में जाओ, वहां गोपियां होंगी, उन्हें बताना कि श्री कृष्ण मेरा नाम लेके बोलना कि श्री कृष्ण के सर में दर्द है, वो जाएगा केवल अगर किसी भक्त की रज लेने से, तो इसलिए आपकी रज लेने में आया हूं। नारद जी जब ब्रज पहुंचे, गोपियों से पूछा कि आप ब्रज दोगी, रज दोगी? रज देने से नरकों में जाना पड़ सकता है। गोपियों ने एक सेकंड नहीं लगाया, एक सोचा तक नहीं, फटाफट सबको आवाज, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ, सबको आवाज लगाई और अपने दुपट्टे अपने आंचल के अंदर खूब सारी रज भेज दी। तो रागानुगा भक्त से भी श्रेष्ठ कौन? ब्रज की गोपियां। और उन गोपियों को भी अगर इतना मान हो जाए कि रास में श्री कृष्ण केवल मेरे हैं, मेरे साथ हैं, तो श्री कृष्ण उनके आगे भी नारायण मूर्ति धारण कर लेते हैं, अपने को छिपा लेते हैं। परंतु एकमात्र श्रीमती राधिका, उनके सामने श्री कृष्ण अपने आप को छिपा नहीं सकते। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रीमती राधिका रानी। राधाष्टमी पे इस तत्व का अगर समय रहा तो बहुत विस्तार से वैष्णवों से आप लोगों को सुनने को मिलेगा। अभी सिर्फ ये जानना है कि क्रम से कौन सा व्यक्ति भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। ठीक है, इज दैट क्लियर? उपदेश अमृत का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 11। कृष्णस्य उच्चै प्रणवसति प्रेयसीभ्यो अपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिर्भित ताद्रिगेव व्याध्यायी यत्प्रेष्टैरपि अलं सुलभं किं पुनर्भक्तिबाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरह स्रातुराविष्करोति। श्लोक संख्या 11, इसको समझने की चेष्टा करते हैं। इसका मतलब अगले उसमें स्लाइड में दिया। ऑफ द मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेवर्ड डिलाइट एंड ऑफ ऑल द लवेबल डैम्सल्स ऑफ व्रजभूमि, श्रीमती राधिका रानी इज सर्टेनली द मोस्ट ट्रेजर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ कृष्णस लव एंड इन एवरी रिस्पेक्ट हर डिवाइन कुंड इज डिस्क्राइब्ड बाय सेजेस एज सिमिलरली डियर टू हिम। जैसे ब्रज भूमि में
श्रीमती राधिका से और अति प्रिय उनको कोई नहीं है, किनको? श्री कृष्ण को। उसी प्रकार मुनि भीर क्या बोलते हैं, मुनि लोग क्या बोलते हैं, मुनि भीर भित ताद्रिगेव व्यधाई, उसी प्रकार से ताद्रिगेव, उसी प्रकार से निश्चय ही राधा कुंड श्रीमती राधिका के बराबर प्रिय है श्री कृष्ण को। फिर आगे क्या बोलते हैं, यत प्रेष्टा यत प्रेष्टैरापि अलम सुलभम किम पुनर्भक्ति बाजम तत्प्रेमिदम सकृदपि सरह स्नातु और श्रातारु विश्क्रोति। हर डिवाइन कुंड इज डिस्क्राइब्ड बाय ग्रेट सेजेस एज सिमिलरली डियर टू हिम। अनडाउटेडली राधा कुंड इज वेरी रेयरली अटेंड इवन बाय द ग्रेट डिवोटीज, देयरफॉर इट इज इवन मोर डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी डिवोटीज टू अटेन। इफ वन सिंपली बेथ्स वंस विद इन दोज होली वॉटर्स, वंस प्योर लव ऑफ कृष्णा इज फुली अराउज्ड। जो राधा कुंड श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है, उसमें एकमात्र एक बार स्नान करने से आपको वो जो मुनि भी जो साधुओं के द्वारा प्रेमी भक्तों द्वारा दुर्लभ प्राप्त करना बड़ा कठिन है, जिसको वो ब्रज प्रेम आपको सुलभ ही मिल जाएगा। तो राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, हमारा तो अधिकार बन गया इस प्रकार से, ये तो बड़ा सुलभ, इतना कुछ मिल जाएगा। रूप गोस्वामी ने भी कह दिया राधा कुंड में स्नान होना चाहिए, होना चाहिए, हो जाना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद राधा कुंड में क्या करते थे, मात्र मात्र सिर पे धारण करते थे, वो कहते मेरा अधिकार नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण करनामृत ग्रंथ बहुत बढ़िया है, इसकी कॉपी छपाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते बिल्कुल छपाओ, बहुत बढ़िया छपाओ, किंतु एक कॉपी छपाना अपने लिए, क्योंकि उनका मात्र उनका अधिकार है। तो अधिकार से बाहर जाकर कोई वस्तु कोई आडंबर कोई अभिनय नहीं करना। कल से जाके राधा कुंड में गोता खा के बाहर निकल के अपने आप को दिव्य शरीर धारण करके है ना, को अपना कौन सा शरीर स्वरूप में स्थित होके समझ के तो मैं व्यक्ति बदल गया हूं, ऐसा नहीं है। इसका क्रम है, क्रम वहीं से है वैदिक भक्ति से जहां से आ रहा है, ठीक है। तो आप भक्तों की कृपा से, आप भक्तों के साथ से आज हमने उपदेशामृत ग्रंथ के 11 श्लोकों का पूर्ण रूप से इसका आलोचना किया और इसका पाठ किया, इसको समझने की कोशिश करी। जिसको मात्र छोटा सा बिंदु भी समझ आया, इतना सा भी धारण करके कोई लेके गया, तो हम अपना प्रयास सफल मानेंगे। ये वैष्णवों का धन है, वैष्णवों के हृदय का धन है, यह महाप्रभु का धन है, जिसे रूप गोस्वामी ने लिपिबद्ध रूप में आप सबके सामने प्रकट किया। ये सब लोगों के चरण करने के लायक वस्तु नहीं है, यह केवल वैष्णवों का कंठहार है, वैष्णवों के आनंद लेने की वस्तु है। तो इसका कोशिश कीजिएगा दोबारा पाठ हो सके रेगुलरली। इस तरह की बुक्स हैं, ये बुक केशव जी गोड़िया मठ से ऐसे छपा है, इसमें 11 श्लोक अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ये हमारी ये बुक स्टॉल से मिल जाएगा। इस्कॉन से स्वामी महाराज जी ने ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से, उपदेशामृत ग्रंथ के नाम से छापी है, इस्कॉन से मिल सकती है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हर उपदेशामृत के श्लोक के साथ अपनी गीति प्रस्तुत की है। अगर वास्तविक रस और लेना चाहते हो, और रस अपना लेना चाहते हो, हर श्लोक के साथ एक गीति है। जैसे
वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, उसके साथ हम गीति पाठ करते हैं। हरि है प्रपंचे पोड़िया ओ गति होइया ना देखी उपाय आर, वाक्य मनोवेग क्रोध जीबा वेग उदर उपस्त वेग, मिलिया ए सब संसार भाषाए दिते च परम उद्वेग। ये गीति पहले श्लोक के साथ है। इसी प्रकार अत्यासार प्रसाद इसके साथ भी एक और गीति है। तीसरा जो हमारा कौन सा श्लोक उत्साह निश्चय धार्य, उसके साथ भी एक और गीति है। तो ये सब बहुत रस लेने की चीजें हैं। इनको वैष्णव के अनुगत में इसका पाठ करना चाहिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरे से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कोई भूल किसी भी प्रकार का मैंने इफ आई हैव ऑफेंडेड यू इन एनी वेज काइंडली फॉरगिव मी। आई वुड रिक्वेस्ट, आप सब वैष्णव हैं बहुत उदार हैं, मेरी गलती को क्षमा कीजिएगा, मेरा सुधार कीजिएगा। मैं महाराज जी के सामने खड़ा होकर बोलने की धृष्टता कर रहा हूं। ये लोग जीवन इनका यही है। हम लोग तो एक हफ्ते में आके यहां कुछ बोलते हैं, महाराज जी तो पूरा जीवन गुरु जी के समर्पित कर दिए। ये उपदेश अमृत जीते हैं। और जिन साधुओं के निकट तद अनुरागी जन अनुगामी की बात की गई है, ये वो साधु हैं। इन्हीं के संग में रहकर भजन करना है।